गर्मियों के मौसम में यूजुअली पसीना बहुत ज़्यादा आता है और अगर आप इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं जो बहुत टाइट हैं जैसे जीन्स या सिंथेटिक कपड़े पहन रहे हैं और आपको आ, किसी ऐसी जगह पे काम करना पड़ता है जहाँ लंबे समय तक छः से आठ घंटे तक बैठे रहना होता है और ऐसे में अगर पसीना हो रहा है तो जो ये एरियाज़ होते हैं बॉडी के अंडर आर्म्स हैं थाईज़ का एरिया है या जिनको हम जाघे कहते हैं ग्रोइन भी कहते हैं इन एरियाज़ में एयर और वेंटिलेशन ठीक से ना होने से और स्वेटिंग होने से इन्फेक्शन की संभावना भी रहती है और रैशेस की संभावना भी रहती है अगर रैशेस हो गए हैं तो उसको पार्ट को थोड़ा सा वेंटिलेट करना होता है हल्के कपड़े पहनिए और जब भी आपको मौका मिले या घर पे हैं तो आप इस तरह के कपड़े पहनिए, जिससे उसको प्रॉपरली वेंटिलेशन मिले और साथ में उसको सा, सामान्य करने के लिए आप मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें या प्रॉपर तरीके से उसको क्लीन करके और अगर उसमें इन्फेक्शन जैसा लग रहा है तो आप एंटीफंगल सोप का भी प्रयोग कर सकते हैं उसको क्लीन करके सूदिंग ऑइंटमेंट रिकमेंड करते हैं रैशेस को सेटल डाउन करने के लिए उसका प्रयोग करके उसको त्वचा को एक से दो दिन में हम ठीक करते हैं तो रैशेज़ अवॉइड करने के लिए आपको सूती कपड़े पहनिए और समय समय पर ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ ठीक से आपको एयर वेंटिलेशन मिले और अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं मॉर्निंग में रनिंग वगैरह करते हैं और साइकिलिंग वगैरह का भी आजकल ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसे समय में जो कपड़े स्वेट फ्री कपड़े होते हैं जो ऐसा फैब्रिक होता है जो आपकी स्किन में रगड़ नहीं लगाता है उन कपड़ों का प्रयोग करें उस समय बहुत ज़्यादा कॉटन के कपड़े पहन के भी अगर आप पसीने में भीगने के बाद भी अगर रनिंग कर रहे हैं तो वो त्वचा में रैशेज हो जाते हैं जिसको हम लोग शैफिंग भी कहते हैं तो अक्सर जो रनर्स होते हैं मैराथन रनर या साइकिलिस्ट वगैरह होते हैं तो उनको इस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है तो उसके स्पेशल फैब्रिक्स आते हैं जो पसीने के बावजूद आपकी त्वचा में रगड़ नहीं लगने देते हैं उनका प्रयोग करिए और जीन्स वगैरह पहन रहे हैं और या कोस्टल एरियाज़ में हैं जहाँ बीचेस वगैरह होते हैं तो वहाँ पर भी ह्यूमिडिटी के चलते भी ये प्रॉब्लम फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा होती है तो ऐसे कपड़ों का प्रयोग करें जो त्वचा में रगड़ ना लगने दें और हल्के कपड़े पहनिए खुले हवादार कपड़े पहनिए तो रैशेज नहीं होंगे और रैशेज़ हो गए हैं तो डॉक्टर की मदद से चिकित्सक की सलाह लेकर के आप एक, एक एंटीबायोटिक क्रीम की तो यूजुअली आवश्यकता नहीं होती है जब तक इन्फेक्शन नहीं है इनका प्रयोग करके रैशेस को आप ठीक कर सकते हैं उनको ड्राई रखिए और पाउडर वगैरह की मदद से भी इस त्वचा को आप सूखा रखेंगे तो आपको रैशेस नहीं होंगे जब भी आपकी त्वचा में कुछ रैशेज़ होते हैं ये रैशेज़ आपके स्वेटिंग की वजह से हो सकते हैं रगड़ लगने की वजह से हो सकते हैं या ह्यूमिडिटी की वजह से हो सकते हैं तो उस समय वहाँ की त्वचा सेंसिटिव हो जाती है और जो आस में बैक्टीरिया हैं उनको अंदर की लेयर्स में पेनिट्रेट करने का मौका मिलता है तो वो त्वचा आपकी सेंसिटिव होती है इन्फेक्शंस के लिए अब ये इन्फेक्शन आपके फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं तो कभी भी अगर रैशेज हैं तो उसको नज़रअंदाज मत करिए उसको ट्रीट करिए और उसमें ड्राई एल्कम पाउडर की मदद से और जो सूदिंग क्रीम्स होती हैं उनकी मदद से उसको हील करिए क्योंकि उसमें डेफिनेटली इन्फेक्शन की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है और उसको बार बार बहुत ज़्यादा धुलने या साबुन लगाकर रगड़ने से भी फायदा नहीं होगा वो आपकी त्वचा को और भी ज़्यादा प्रोन कर देता है इन्फेक्शन्स के लिए क्लीन रखना है आपको इसमें आप लाल दवा का प्रयोग कर सकते हैं जो पोटेशियम पर के क्रिस्टल्स आते हैं वो हार्डली आठ दस रुपए में आपको मिल जाएंगे उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसमें आप कॉटन से डैब कर देंगे उस एरिया को दिन में एक या दो बार तो वो दो तीन दिन में ही आपका हील हो जाएगा तो उस एरिया का ध्यान रखना रैशेस को जल्दी से जल्दी हील करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हर तरह के इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है